लिए थे, ठीक है। तो अगर यहाँ बात करें हम अवतल लेंस की, किसकी अवतल लेंस की फोकस दूरी मतलब f प्लस में होता है कि माइनस में होता है, माइनस में होता है, क्या होता है माइनस में होता है, ठीक है। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है, फोकस कितनी होती है प्लस में होती है। देखो कैसे, मतलब यह है कि अगर यहाँ पे हमारी उत्तल लेंस है, ठीक है, यहाँ पे ये क्या है उत्तल लेंस है, यहाँ से लाइन पास करवाएंगे ना, यहाँ से ऐसे भाग जाता है ये, ठीक है, लेकिन ये आता हुआ यहाँ पे प्रतीत होता है ना, तो मतलब यहाँ पे जब आ रहा है ना, तो कोई भी चीज़ अगर हमारे बाएं साइड में दिख रहा है, जैसे मान लो हम खड़े ऐसे, तो बाएं साइड में अगर दिख रहा है तो किस में होगा, वो माइनस में होगा, और दाहिने साइड में क्या होगा प्लस में होगा। तो यानी कि अगर माइनस में है, बाएं साइड में है तो माइनस में है, तो यानी कि ये उत्तल लेंस के ये जो है यहाँ पे जो दिख रहा है तुमको, ये फोकस दूरी है, क्या है फोकस है। मनीष शनिवार सर अपले भी गया हमारा, चलिए यहाँ पे याद रखियो, ये क्या हुआ यहाँ पे, ये फोकस है ना, और यहाँ से यहाँ इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, फोकस दूरी कहते हैं, कहते हैं ना। तो अब ये f को हम लोग क्या मतलब, अब समझ रहे हैं आप लोग कि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगा, माइनस में होगा, किस में होगा माइनस में होगा। लेकिन वहीं अगर हम उत्तल लेंस की बात करें तो देख लीजिए उत्तल लेंस क्या करता है, ऐसे आता है, शायद आप लोग पढ़े हैं नहीं बात को, तो यहाँ पे मिल रहा था इसकी फोकस दूरी यहाँ पे बनेगा, बनेगा ना, इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी प्लस में हो जाएगी, इसकी फोकस दूरी प्लस में होती है, इसकी फोकस दूरी क्या होती है माइनस में होती है। इतनी बात समझ में आ रहा है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये फोकस दूरी समझ गए आप लोग। अब यहाँ पे किसी भी चीज़, जब मान लीजिए कि लेंस की फोकस दूरी जो है ना, हम लोग डायोप्टर में मेजर करते हैं, किस में करते हैं डायोप्टर में, डायोप्टर का, ठीक है। किसी की फोकस दूरी किस में मेजर करते हैं हम लोग, डायोप्टर में, बात समझ में आया। चलिए अब एक लेंस के सूत्र आपको बताए थे, लेंस सूत्र आपको याद होगा, 1/v - 1/u इक्वल टू क्या होता है 1/f, ये बात समझ में आ गया, ठीक है। 1/v - 1/u इक्वल टू कितना होता है 1/f, ये किसका सूत्र होता है लेंस का सूत्र, बात समझ रहे हैं ना। अगर कोई कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है 3 किलोमीटर अच्छा से देख लेता है, कितना किलोमीटर या फिर 3 मीटर मान लीजिए, एक व्यक्ति जो है 3 मीटर अच्छे से देख सकता है, लेकिन अगर उसको देखना है 5 मीटर तो क्या करना पड़ेगा, 3 मीटर वो देख सकता है लेकिन 5 मीटर देखना चाहता है तो क्या करना पड़ेगा। तो अगर कोई व्यक्ति 3 मीटर देख सकता है, बात समझिएगा, तो यहाँ पे जितना देख सकता है, देख सकता है ये भी होता है, जो देख सकता है वो क्या होता है भी, और भी हमेशा क्या होता है माइनस में होता है, बात समझ में आ रहा है। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि 3 मीटर देख सकता है, यानी कि -3, भी बराबर कितना -3, बात समझ में आ रहा है। 5 मीटर देखना चाहता है, कितना मीटर देखना चाहता है 5 मीटर देखना चाहता है, देखना चाहता है, तो इसको कहते हैं हम लोग यू, क्या कहते हैं यू, और यू भी क्या होता है माइनस में होता है, यानी कितना मीटर देखना चाहता है वो 5 मीटर देखना चाहता है, यानी कि -5, यानी यू बराबर क्या आ गया -5। तो अब आपको देखिएगा यू पता चल गया, भी पता चल गया, क्या पता करना है एफ पता करना है, तो एफ निकालने का सूत्र हम लोग इस सूत्र पर हम लोग बैठा लेंगे, हमारा एफ निकल जाएगा, जो एफ निकलेगा वो हमारा लेंस का पावर निकलेगा कि कितने पावर का अगर हम लेंस लगाएंगे तो 5 मीटर तक देख सकते हैं, इतनी बात समझ में आ रहा है। लेकिन एक चीज़ आप बताइएगा कि 3 मीटर देख सकता है, 5 मीटर देखना चाहता है, तो उसकी कौन सी बीमारी है, कौन सी बीमारी है, नहीं निकट दृष्टि दोष, क्या निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष कैसे, देखिए
क्योंकि नजदीक की चीजें दिख रही है और दूर की चीजें कहाँ दिख रहा है? देख सकता है 3 मीटर, देखना चाहता है 5 मीटर, यानी कि उसका मतलब कि कोई चीज देख पा रहा है, बात समझ रहे ना, यानी कि उसकी दूरी खराब है। क्या खराब है? दूरी खराब है। जिसकी दूरी खराब होती है उसको कौन सा क्या कर दोष? निकट दृष्टि दोष। क्या दोष? निकट दृष्टि। और निकट दृष्टि दोष के निवारण करने के लिए कौन सा लेंस चाहिए? कौन सा लेंस? अवतल लेंस चाहिए। और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? हमेशा अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? इसका जो भी एफ निकलेगा क्या निकलेगा? माइनस में निकलेगा। और उसको हम किससे मेजर करते हैं? डायोप्टर से। किसको? डायोप्टर से। इतनी बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आप एक हमें सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद न्यूमेरिकल आप लोग बना के दिखाइएगा। ठीक है, चलिए। तो फिलहाल में हम यहाँ पे एक न्यूमेरिकल इसको सॉल्व कर रहे हैं। आप कितना दिया है? वी इज इक्वल टू माइनस का 3, यू इज इक्वल टू माइनस का 5। चलिए, एफ इजकल टू हमको पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 1/v माइनस 1/u इजकल टू क्या होता है? 1/f। तो 1/v एंड v का वैल्यू कितना दिया है? माइनस का 3, और माइनस यहाँ पे पहले से है। ठीक है, और 1/5 है ना, तो माइनस 5 लिख देंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत? यहाँ पोस्ट में इसलिए लिखे हैं तो हटा दे, पोस्ट हटा, कोई दिक्कत नहीं। देखो 1/-3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब देखो इसका अगर एलसीएम हम निकालते हैं तो कितना निकलेगा? 5 × 3 = 15, और 3 से काटेंगे तो 3 × 5 = -5 हो जाएगा। अरे 3 से काटेंगे 15 बन में तो माइनस में ना कटेगा, तो यानी कि 5 × 5 = 15। अब इसमें से अगर 3 में से अगर 2 घटाइए, सॉरी 5 में से 3 घटाइए क्या मिलेगा आपको? 2 / 15। यहाँ पे 1/f का वैल्यू, 1 सेकेंड, अब देखिएगा इसको क्रॉस गुना करा देंगे, क्रॉस गुना कराएंगे तो -2f हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 15। अरे इसको क्रॉस गुना कराएंगे तब ना तुम्हारा f का वैल्यू निकलेगा। तो अब यहाँ पे हमको f का वैल्यू निकालना है, तो 15 / -2 काटेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 7.5। मैंने एक अंदाजन बताया है, तो उसके लेंस का क्षमता कितनी हो जाएगी? -7.5। अब बता रहे हैं ना, समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? यानी उसको कौन सा लेंस चाहिए? अवतल लेंस चाहिए। बीमारी भी बता सकते हैं, कौन सी बीमारी होगी जब अवतल लेंस लगेगा? तो कौन सी बीमारी है? निकट दृष्टि दोष है उसको। बात समझ रहे हैं ना? आप इसको उतार लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं।